आजम खान को 7 साल की सजा हुई है, लेकिन आजम खान ने जेल जाने से पहले एक बार मीडिया से आमना सामना हुआ है। आजम खान ने अपना पक्ष कुछ इस अंदाज में रखा, जरा सुन लेते हैं कि आजम खान क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और रामपुर की पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा को आज एमपी एमएलए लोअर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी। ये दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एमपी एमएलए लोअर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था। आजम खान को जैसे ही दोषी करार दिया कोर्ट ने, तत्काल पुलिस द्वारा कस्टडी में ले लिया गया और उसके बाद दोपहर में आजम खान का फैसला आया और आजम खान जेल के लिए रवाना हो गए। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पुलिस वाहन से रामपुर जेल तक पहुंचे। लेकिन आजम खान ने जो आज फैसला आया है उसको अजीब ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फैसले और इंसाफ में फर्क होता है। आजम खान ने जेल जाने से पहले मीडिया से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अब इस पर विचार किया जाएगा कि अब हमें क्या करना है और न्यायालय में जा कर के इसके खिलाफ कहां पर अपना पक्ष रखना है। बोलो आजम भाई, क्या कहेंगे इस फैसले को? आजम भाई, क्या कहेंगे? फैसले में फर्क होता है, ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? एडवाइजर विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सर, आप कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है, क्या कहें इससे ज्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था, चल भी रहा था, आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। चलें सर, आइए जगह पर। आजम खान ने जो कुछ कहा वो सब आपने देखा, लेकिन आजम खान के जो मुश्किलों के दिन हैं एक बार फिर से शुरू हुए, क्योंकि आजम खान का परिवार एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे है। पहले भी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। बहरहाल अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के रामपुर की जेल में आजम खान कैद है। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।